अरे हम लोग वो मोहित को ढूंढने के लिए गए थे, उसके ग्लाइडर में कोई प्रॉब्लम आ गई थी ना। प्रॉब्लम आ गई थी, क्या हुआ उसे? पता नहीं क्या हो गया, वो गायब हो गया। क्या? चलो जल्दी से कॉफी पी लो, हमें झील पे भी जाना ना शूटिंग करने के लिए। पता नहीं इस बार दुर्जन कौन सी आत्मा से पिटवाने वाला है हमें। जरूर इस झील में कोई शैतानी शक्ति होगी, इसलिए दुर्जन ने हमें यहाँ भेजा है। हाँ, दिखने में इतनी डरावनी लग रही है ये झील। पीयूष, पीयूष, मिसेस साहिल जी कहिए। हाय, हम अभी अभी झील से होके आ रहे हैं। उस झील में हमें एक ग्लाइड मिला है जिस पर आपकी कंपनी का लोगो है। व्हाट? लेकिन ये कैसे हो सकता है, हमारी सारी ग्लाइड्स तो स्टोरेज रूम में। आर यू श्योर? क्या आप लोगों को पूरा यकीन है कि आपके स्टोरेज में से एक भी ग्लाइड गायब या कम नहीं हुई? एक मिनट, एक ग्लाइड कम है जो मोहित लेकर गया था। मोहित? मोहित कौन? मोहित एक्चुअली हमारी ग्लाइडिंग टीम का एक हिस्सा है। वो कल एक छोटा सा हादसा हो गया था जिसमें वो गिर गया। हम लोग उसे ढूंढने के लिए गए भी थे झील की तरफ, लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं चला। शायद मजाक कर रहा होगा। मजाक? हाँ, वो अक्सर ऐसे मजाक करता रहता है हमारे साथ। शायद इस बार ये मजाक ना हो, हो सकता है कि वाकई वो उस झील में डूब गया। आई एम सॉरी बट ये पॉसिबल नहीं है, वो अपने कॉलेज का स्विमिंग चैंपियन था, वो डूब के मर ही नहीं सकता। तो फिर वो ग्लाइड वहां पे पहुंची कैसे? हेलो जी, हाँ बोल रहा हूँ। व्हाट? कैसे? ओके थैंक्स यार, बड़ी अजीब चीज हो गई है। क्या? वो कल रात को मैंने राज को गाड़ी दी थी ना। हाँ, वो सड़क पे लावारिस मिली है और राज भी गायब है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? ये राज कौन है? हमारा दोस्त। देख तू घबरा मत, मैं उसका फोन ट्राई करता हूँ। उसका फोन बंद आ रहा है। चल मेरे घर चलते हैं, वो गाड़ी भी वहीं पे पहुंचा दी गई है। हम लोग भी तुम लोगों के साथ ही चलते हैं। कहाँ मिली आपको ये कार? ये गाड़ी मेरे पास वॉशिंग के लिए आई थी, और पता नहीं जो आदमी ये गाड़ी लेकर आया था वो अचानक से गायब हो गया। गायब हो गया? यार अजीब है ये राज, वो ना एक्चुअली मैंने ये गाड़ी अपने दोस्त राज को दी थी। लेकिन कार के आसपास कोई तो दिखा होगा आपको, यहाँ वहाँ कोई तो होगा। गाड़ी के पास कोई भी नहीं था, गाड़ी में पेपर से उससे पता चला ये गाड़ी आपकी है, सो मैं लेके आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कितने पैसे हुए आपके? 500। एक मिनट, ये गाड़ी में खून कहाँ से आया? वही तो बोल रहा हूँ, आपका दोस्त था, जैसे कार वॉश के बाद मैंने दरवाजा खोला, अंदर आपका दोस्त नहीं था, सिर्फ खून की चीटे थे। चल चल कर देखते।
सकता था। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। पहले मोहित और अब राज, और उस पे एक खून। जरूर राज के साथ कुछ बुरा हो गया भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। मुझे भी। तो एक काम करना, वीरू और पीयूष को फोन करना। अरे यार, ये लोग भी फोन नहीं उठा रहे। लगता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली हम सब पर। ये जो लोग गायब हो रहे, क्या बता सकते हैं सब कब से हो रहा है? जिस दिन से हम उस मनहूस झील पे गए, बस तभी से ये सब हो रहा है। उस झील के बारे में तुम्हें क्या मालूम? बस इतना ही पता है कि वो झील 25 साल पुरानी है। 25 साल पुरानी? बस उससे पहले? लोग कहते हैं कि ये झील उससे पहले थी ही नहीं। क्या वहां झील नहीं थी? तो फिर क्या था? पता नहीं। हमें पता लगाना ही होगा कि उस झील का राज क्या है। अगर आप लोगों के दोस्त वापस आ जाए तो आप लोग प्लीज हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जरूर। चलो। यार तू जल्दी से पीयूष के घर जा, तू देख वो ठीक है कि नहीं। हाँ, मैं वहां जाता हूँ। तब तक तू वीरू को जाके देख। हाँ, मैं बस जल्दी से रेडी होके बस वहीं जा रहा हूँ। मैं वहां पहुंच के तुझे फोन करता हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखना भाई। हाँ यार, तू भी। कितने पैसे हुए आपके? 500। एक मिनट। ये लीजिए। थैंक यू। नल अपने आप तेज कैसे हो गए? ये नल अपने आप चालू कैसे हो गया?
ये आखिरी है बस। 25 साल पहले की बात, पता नहीं वो खबर हमें मिलेगी या नहीं। अचानक से एक दिन सूखी जमीन पर झील आ गई, ऐसी चौंकाने वाली खबर तो न्यूज़पेपर में होनी ही चाहिए। तेज बारिश ने गांव को डुबो दिया। नई झील का निर्माण। राघव हर्ष, ये देख। इसका मतलब 25 साल पहले तेज बारिश की वजह से ये गांव झील बन गया। हाँ, सारे गांव वाले वहां से भाग गए थे, सिवाय एक परिवार के, जिनकी बाद में मौत हो गई। उस झील के अंदर जो आत्माएं हैं, कहीं वो उन परिवार वालों की तो नहीं? हो सकता है। एक मिनट, इस खबर में तो ये लिखा है कि उस परिवार का सबसे छोटा बेटा बच गया था, लेकिन वो तब से लापता है। फिर तो शायद वो छोटा बेटा अभी भी जिंदा, और वो रोक पाए इस मौत के तांडव को। पर हम उस तक पहुंचेंगे कैसे? इस परिवार के पड़ोसी विजय ने खबर दी थी अखबार वालों को। मतलब शायद विजय कुछ जानता हो उस छोटे बेटे के बारे में। हाँ, मैंने ही बताया था अखबार वालों को उस दुर्घटना के बारे में। आज भी जब उस घटना के बारे में याद करता हूं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरा गांव अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था, लेकिन वो परिवार अपने घर में इंतजार कर रहा था अपने बेटे के वापस आने का। नाम क्या था उसका? विपुल, मेरा दोस्त था। वो वापस नहीं आया। उसके परिवार वाले डूब गए बाढ़ के पानी में उसका इंतजार करते करते। कोई इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है कि अपनी जान बचाने के लिए अपने परिवार वालों को वापस मिलने ही ना गए? उसकी कोई मजबूरी रही होगी। सगे माँ बाप से बढ़कर कुछ होता है क्या? क्या आप जानते हैं कि इस वक्त वो कहाँ है? छोड़ूंगा नहीं तुझे। और कितने लोगों की जान लेगा? फिर कहाँ है तू? पहले साहिल, मोहित, वीरू और कितने लोगों की जान लेगा? छोड़ूंगा नहीं तुझे। छोड़ूंगा। पानी है जहर, एक एक करके सबको निकल गया। आप विपुल ही है ना? हाँ, मैं ही हूँ। आप लोग कौन हैं? हम लोग कौन है ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि झील के अंदर कौन है।
झील? क्या बात है? झील का नाम सुनकर आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? चले जाओ, मैं कहता हूं चले जाओ यहां से। आप हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए, हम चले जाएंगे यहां से। मार डालेगी वो झील मुझे, मार डालेगी। क्यों मार डालेगी? झील के अंदर तो आपका परिवार ही तो है। मरा हुआ परिवार है ना? ये तुम लोगों को कैसे पता? कैसे पता तुम लोगों को? आपके घर वालों ने कई मासूम लोगों की जाने ली है। हम चाहते हैं कि ये मौत का खेल रोकने में आप हमारी मदद करें। मार डालेंगे वो लोग मुझे भी, मार डालेंगे। आप चलिए हमारे साथ। नहीं जाऊंगा मैं वहां, किसी भी कीमत पर नहीं जाऊंगा। कायरों की तरह घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। आपको पश्चाताप करना चाहिए 25 साल पहले उस शाम के लिए जब आपके गांव में बाढ़ आई थी। ये मेरा और मेरे परिवार का आपसे मामला है, तुम कौन हो तो बीच में बोले बोले। मैं कहता हूं निकल जाओ, फौरन निकल जाओ यहां से, निकल जाओ, जाओ। चलिए मैं आपकी मदद करूंगा, अब और लोगों को मरने नहीं देंगे। कौन हो तुम? मेरा नाम राहुल है, मैं विपुल जी का बेटा हूं। ओ, तो तुम विपुल के बेटे हो। कभी कभी पिता के पापों का बोझ बेटे को उठाना पड़ता है। लेकिन राहुल, झील पर जाना इतना आसान काम नहीं है, तुम्हारी जान भी जा सकती है इसमें। मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है, और जो लोग पानी में हैं, वो मेरे परिवार वाले ही हैं। शायद मुझे नुकसान ना पहुंचाए। ये पानी जहरीला है। पानी अमृत होता है राहुल, लेकिन गुस्से और बदले की कड़वाहट ने इस अमृत जैसे पानी को जहर बना दिया है। एक ऐसा जहर जो एक एक करके लोगों को मार रहा है। यह जहर वापस अमृत कब बनेगा? जब मैं अपने पिता की गलतियों की माफी मांग लूंगा। अपने पूर्वजनों से राहुल, मैं ऐसे अकेले मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगा।
ये लो। हर्ष, हर्ष तुम ठीक तो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। क्यों करते हो तुम ऐसा? क्यों अपने आप को बार बार आफत में डालते? क्या जरूरत है ये सब करने की? इस खूनी झील का ये मौत का सिलसिला रोकने के लिए मेरा झील के अंदर जाना बहुत जरूरी था यामिनी। मेरे पिता इसके जिम्मेदार थे। उन्होंने अपनी जान देकर 25 साल पहले की ये पाप का प्रायश्चित किया। लेकिन यही प्रायश्चित अगर उन्होंने 25 साल पहले किया होता तो इन मासूमों की जान ना गई होती। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.